नमस्कार दोस्तों YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत नमस्ते नीरज सर आपका स्वागत है इस चैनल पे नमस्ते शिवम नमस्ते और बहुत बहुत धन्यवाद आपने इनवाइट किया बात करने के लिए आपने बुलाया बहुत अच्छा लगा मुझे हाँ जी शिवम सर आज हम आपकी लाइफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप टीचिंग में आए कैसे आपने एंट्रप्रोनरशिप स्टार्ट करी क्या स्ट्रगल्स रहे क्या आपने दूसरों को मोटिवेट किया कैसे किया उन सब चीजों पर बात करेंगे सर सर स्टार्ट करते सर आपने पहले कब सोचा था कि हाँ मैं टीचिंग करूंगा वो फर्स्ट थॉट कब आई थी आपको वो फर्स्ट थॉट आया था भाई जब मैं स्टूडेंट था और हमारे टीचर हैं अजय जैन सर वो पढ़ाया करते थे तो उन्हें देख के पहली बार ये थॉट आया था कि टीचिंग करनी चाहिए टीचिंग बढ़िया है और रेम से ज्यादा है एक सैटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा थी उस समय मतलब मुझे लगता है बहुत ज्यादा होगी और हुई भी और उसके साथ साथ जो है टीचिंग का एक खास बात यह है कि आप जैसे यंगस्टर से हमेशा मिलते रहने का मौका मिलता है तो हमेशा ना मतलब टीचर हमेशा यंग रहता है उसे हमेशा नए नए चेहरे मिलते रहते हैं यंग यंग लोग मिलते रहते हैं एक चार्ट अकाउंटेंट आप देखोगे तो मुझे लगता है कि मतलब नॉट ऑल बट मैक्सिमम चार्टेड अकाउंटेंट पैतीस चाल, साल की पैतीस चालीस साल की उम्र में कैसे हो जाते हैं भाई एकदम बाल बाल उड़ जाते हैं पेट पेट बाहर आ जाता है <laughs> मैं किसी को ऐसे बोलना नहीं चाहता बट हाँ मैं एक जनरल जनरल व्यू रख रहा हूँ लेकिन आप टीचर्स को देखोगे टीचर्स हमेशा यंग रहते हैं वो इसलिए यंग रहते हैं क्योंकि उन्हें यंगस्टर्स मिलते रहते हैं उनसे हमेशा बातचीत चलती रहती है बहुत ज्यादा जो है हमारा एक ऐसा लगता है कि उम्र बढ़ी नहीं रही तो उस समय अजय जैन सर ऐसे लगते थे

तो सर आजकल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सर कि क्या आप learn, आप लर्न नई नई चीजें क्या सीख रहे हो सर आजकल नई चीजें यार <laughs> सबसे नई चीज तो मैं आज की डेट में मतलब पिछले दो साल से मैंने जो सीखा वो स्टॉक मार्केट्स के ऊपर सीखा और इन्वेस्टिंग के बारे में मैंने बहुत 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 कुछ सीखा

लेकिन हाँ जब लोकलिटी वाले टीचर्स को देखते हैं घर वालों ने क्या होता है वाले टीचर्स को देखा होता है तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है कि यार ये ट्यूशन पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं कितना टाइम पढ़ाएंगे ये रोज शाम को दस घंटे मतलब पांच घंटे देने पड़ेंगे पूरे दिन पता नहीं कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा ऐसा रहता था बट अगेन मेरे घर वाले शुरू से इसमें सपोर्टिव रहे कि भैया जो करना है कर लो तो ठीक है उनको शायद उनको शायद बैक ऑफ द माइंड में लगता होगा लेकिन उन्होंने कभी फ्रंट में ऐसे बोला नहीं तो मैं मैंने जब पढ़ाना शुरू किया तो पहले मैंने बिल्कुल वैसे जैसे लोकेलिटी के अंदर पढ़ाते हैं इलेवंथ क्लास ट्वेल्थ क्लास तो उसके बाद बी कॉम इस तरीके से मैंने जो है पढ़ाना शुरू किया थोड़ा सा रिस्की था उस समय मतलब एक्चुअली क्या मैं शिवम ये भी एक मैसेज देना चाहता हूँ जैसे अभी ये पॉडकास्ट है ना इंडिया में कोई भी चीज है ना जो चलती है ना हम उसके ना फिर रेल बना देते हैं तो अभी इंडिया में पॉडकास्ट चल रहे हैं और मैं पढ़ रहा था तो कुणाल शाह जो क्रेड के फाउंडर हैं उन्होंने लिखा भी होता है कि भैया पॉडकास्ट सुनने वाले कम हो गए हैं पॉडकास्ट बनाने वाले जो है वो ज्यादा हो गए

नहीं बना पाए और मतलब बहुत ग्रीन, ऐसा मत कि बहुत ग्रीन है, होता क्या है कि आपको सिर्फ बड़े टीचर्स दिखते हैं और आपको ग्री है। यहाँ तो कमाई कमाई है जैसे आपको मैं बताता हूँ जैसे सीए फील्ड में ऐसा लगता है सीए करने के बाद तो पैसों की बारिश हो जाती है लोग बाकी समझते हैं एंड आपके तो फादर भी चार्टेड अकाउंटेंट है यू मस्ट भी नोइंग कितनी मेहनत लगती है उसके बाद भी और हर कोई नहीं कर पाता मैं ये नहीं कह रहा कि कि पैसा नहीं कमाते लेकिन हर कोई वो लेविश लाइफ नहीं जी पाता जो शायद बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जी रहे होंगे बहुत जो टॉप मोस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वो जी रहे होंगे ऐसी टीचिंग फील्ड में हर कोई बहुत बहुत बड़ा टीचर बने ये जरूरी जरूरी नहीं है। ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है है बिल्कुल भी देयर देयर आर चांसेस के आप कहीं हो सकता है टीचिंग फील्ड में भीड़ में खो जाओ और एट द सेम टाइम क्या पता आप किसी और फील्ड में एक्सीलेंस तक पहुंच जाओ तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें ये चीज ध्यान रखनी है जब भी हम कोई भी फील्ड चूज कर रहे हो तो ये क्राइटेरिया ना बनाए कि भाई इसमें जो सबसे टॉप पे वो कितने पैसे कमा रहा है वो कितने पैसे कमा रहा है क्योंकि उसके पास कोई स्पेशल स्किल रहा होगा उसके पास कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी रही होगी हो सकता है वो आपके पास ना हो वो स्किल ना हो वो अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो प्रॉब्लम हो सकती है और इसका मतलब ये नहीं है कि आप आप सिर्फ टीचिंग फील्ड में आगे बढ़ सकते हो आप और को कोई ऐसा फील्ड एक्सप्लोर करो ऐसा कोई निश देखो जिसमें अभी बहुत ज्यादा लोग ना आए हों या हो लेकिन बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर जाओ आप जरूर कामयाब होंगे बिल्कुल सर सर फिर ऐसी कौन सी स्किल है आपके हिसाब से जो एक पर्सन में रिक्वायर्ड है कि वो सक्सीड करे कि वो क्राउड से डिफरेंट स्टैंड आउट करे भले ही टीचिंग में हो या कोई भी सीए स्टाफ में हो कि या कुछ भी हो वो कोई कॉमन स्किल है, है सर आपके हिसाब से देखो टीचिंग में तो मैं पहले टीचिंग से शुरुआत करता हूँ टीचिंग में शिवम मुझसे कोई पूछता ना कि भाई क्या मतलब वॉट इज द यूएसपी तो मैं तो सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ ऑनेस्टी अगर आप स्टूडेंट्स के साथ ट्रांसपेरेंट हो ना आपको जो आता है बोलो हाँ जो नहीं आता बोलो ना आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता आप स्टूडेंट के सामने अगर ये बोल के कि मुझे नहीं आता आप ये बोल के छोटे नहीं हो जाओगे राइट दूसरी बात आप जो करवर करा रहे हो जो बता रहे हो पता होना चाहिए स्टूडेंट को भाई ये 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 बंदा कराएगा कराएगा नहीं करा मैं टीचिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तो मुझे लगता है ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी दो ऐसी अमेजिंग क्वालिटीज हैं जो अगर आपके अंदर नहीं है तो आप टीचर बन भी जाओ लेकिन आप ना वो वैल्यू नहीं क्रिएट कर पाओगे थोड़े समय बाद सबको पता चल जाएगा और ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी अगर आपके पास है आप गेम में कितना भी लंबा खेलते जाओ आपको कोई कुछ नहीं कह सकता क्योंकि आप हो, आप हो. So है साथ बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है अपने स्टूडेंट के साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहना है जहां तक हो पाए आपने उनकी उनकी लाइफ में वैल्यू एड करने की कोशिश करनी है दिस इज द ओनली थिंग विच आई हैर्न और आ, थोड़ा सा ना मतलब मुझे लगता है टीचर्स को हम्बल भी होना चाहिए अभी मैं मैं क्या बताऊँ मतलब हम तो इतनी सारी चीजें देखते हैं। मैंने कल मैं अभी पहले टीचिंग की बात कर लू उसके बाद मैं इन जनरल बिजनेस पे आऊंगा कि बिजनेस के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए मैं एक हमेशा से एक प्रैक्टिस के अगेंस्ट रहा हूँ शिवम मैं हर बार ये बात बोलता हूँ आप अभी पता है कल मेरे साथ एक चार्ट अकाउंटेंट बैठे हुए थे अर्चित है थिंकिंग ब्रिज से आपने शायद कुछ हमारे पॉडकास्ट या कुछ हमारे एपिसोड्स भी देखे होंगे तो वो मुझे बता रहा था कि वो चार्ट अकाउंटेंट बन गया उसे शायद दो तीन साल हो गए सीए बने हुए आज तक उसे कोचिंग के मैसेज आते हैं कि सीए फाइनल पढ़ लो सीए फाइनल पढ़ लो सीए फाइनल पढ़ लो और मैं आपसे पूछता हूँ शिवम आपको आते हैं कि so क्या दिखाना चाहता हूँ ज्वाइन कर लो कभी भी कोई टेक्स्ट मैसेज हो तो बताओ मुझे नेवर हम मतलब मैं रेयरस्ट ऑफ रेयर केस में कभी मैंने मैसेज डाल दिया होगा वो भी कुछ जरूर ऐसा होगा जो बच्चों को बताने लायक चीज होगी तो डाल दिया होगा अदरवाइज मैंने आज तक

ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है दूसरे की लाइफ में आप कितनी वैल्यू एड कर पा रहे हो ये बहुत ज्यादा जरूरी है मुझे लगता है सेम गोज विद बिजनेस आप किसी भी बिजनेस में उतरते हो, आपको सिर्फ ये देखना है ओके भाई आप सामने वाले की लाइफ में वैल्यू कितनी ऐड कर पा रहे हो तो अगर आप वैल्यू एडिशन कर पा रहे तो पे करेगा पेमेंट करना एक बात है वो खुश भी रहेगा और आपसे वो कनेक्टेड भी रहेगा मैं आपको बहुत मतलब अमेजोन एक बिजनेस मॉडल मुझे इतना बढ़िया लगता है मुझे लगता है शिवम आज आप अभी हमारी बातचीत चल रही थी माइक के बारे में कैमराज के बारे में कहा से खरीदा आपने वो माइक सर एमेजॉन Amazon आगे से I am टिंग आई एम टेलिंग यू मैं और आप आज ये बात ना कर पाते ढंग से अगर Amazon ना होता तो कितनी enormous value वो add कर रहा है अब इसमें कोई अति दुखी आत्माएं लड़ सकती है वो foreign का है ये है वो है जो भी है यार मैं business की बात कर रहा हूँ आप देखे उसने कितनी जबरदस्त value add करी है जिस company का माइक आप लेके बैठे हो मैं लेके बैठे हूँ ये ड्रीम होता है ये ड्रीम होता है भाई अगर ये अमेजोन ना होता ना हमारा ड्रीम होता है कि हमारे पास वो माइक आ जाए राइट right. okay. आज से तीन साल पहले मुझे एक एक माइक चाहिए था कंपनी होती है डीटी करके कंपनी है वो माइक को यूएस से मंगाना पड़ गया था दो महीने उसको आने में लग गए हंड्रेड एंड ट्वेंटी पता नहीं कुछ ऐसे परसेंट की तो उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी लग गई hmm. अब और वही अमेजोन ने आज की डेट में चीजें कितनी आसान कर दी है राइट सो इस तरह का आपका बिजनेस हो जो लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करे और मेरे ख्याल से ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी एथिक्स

आप सोच रहे हो ना आप सोच पा रहे हो ना हमारे टाइम तो सारे, पहले, पहली बात बहुत सारे, हैं। बहुत सारे पहले तो बहुत तैयारी से दो बहुत फोर्स के साथ दो फर्स्ट अटेम्प्ट क्योंकि फर्स्ट कहते हैं कि गोल्डन अटेम्प्ट होता है अपना राइट और जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मस्ती में आ जाते हैं जनरली स्पीकिंग वहां पे फर्स्ट अटेम्प्ट आप बहुत तैयारी से दो

हो सकता है वाला आपका जॉब आयस वाला, वाला आपके पास जॉब कर रहे हो सकता है कुछ नहीं होने वाला आप सीए कर लो एम की कोशिश कर लो आप ऑनपिनशिप में चले जाओ आप कुछ भी कर लो अगर आप मेहनत ही नहीं करना चाहते तो फिर तो भाई नमस्ते राइट लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा फिक्स कर दो भाई दो अटेम्प्ट चार अटेम्प्ट जो मन में नंबर आ रहा है ना सही उतना चांस दो अपने आपको

ये अच्छा सक्सेसफुल है।, इसका इसका है, है नहीं हो सकता है वो उसने में फेल किया किसी व्यक्ति ने सीए में कोई फेल हुआ उसने जाके कोई अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया अपना पॉडकास्ट शुरू कर लिया या अपना कोई बिजनेस शुरू कर दिया या फोटोग्राफी में चला गया वो वीडियोग्राफी में चला गया प्रोडक्शन हाउस खोल दिया बच्चे मेरे पास लाखों एक्साम्पल्स हैं आज अपने अगर मेरा YouTube चैनल पे एक वीडियो देखा हो जो शुरू में आज मैंने एक लाइव सेशन किया था उसमें एक इंट्रो डाला है अपना वो इंट्रो मेरे एक सीए स्टूडेंट ने बना के दिया है जो सीए स्टूडेंट सीए ड्रॉप आउट है उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल रखा है आप बताओ उसे क्या बोलोगे आप उसे फेलियर बोलोगे क्या मैं तो नहीं बोलता उसको फेलियर हाँ आईपीसी में फेल हुआ था या फाइनल में वो फेल हुआ था चलो बट यू कैन नॉट से वो फेलियर है उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खड़ा कर दिया यार आज के डेट में आपको कोई सॉन्ग बनाना है कोई वेडिंग शूट कराना है कोई भी आपको प्रोफेशनल काम कराना है ही इज देयर टू हेल्प सो ये हमें देखना है

जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ आई एंजॉइंग इट आप देख रहे हो मेरी झील देख रहे हो मतलब मुझे मजा आ रहा है आपसे बात करने में इन रिस्पेक्ट द फैक्ट मैं ये नहीं सोच रहा कि भाई कितने लोग देखेंगे शिवम का चैनल कितना बड़ा है शिवम के चैनल पे कितने ऑडियंस आता है मैं कुछ नहीं सोच रहा मुझे लग रहा है कि यार शिवम है शिवम मुझसे बात करने आया है और मैं फुल एनर्जी के साथ शिवम को वो सारी चीजें बताऊं और शिवम के ऑडियंस को वो सारी चीजें बताऊं जिससे उनकी लाइफ में वैल्यू एड हो पाए और मैं हर मूवमेंट को हर जाते मूमेंट को मैं एंजॉय करने की कोशिश कर रहा हूं इंजॉय कर रहा हूं राधर तो दैट इज सक्सेस फॉर मी इफ यू आर एजॉइंग एवरी मूमेंट ऑफ योर लाइफ इवन टफ मूमेंट्स भी आएंगे लाइफ में ऑब्वियसली कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी आते हैं जब आप एंजॉय नहीं कर पाते हैं वो टेम्प्रेरी फेज है उसको जाने दीजिए वो जितनी जल्दी आप उससे बाहर निकलेंगे और फिर अपने मूवमेंट्स को आप एंजॉय करने लग जाएंगे आई थिंक वही मेरे लिए सक्सेस है कि यू आर एजॉइंग एवरी मूमेंट ऑफ योर लाइफ उठली सर सर एक और आप एग्जाम्पल काफी देते हो कि आप एग्जाम में जा रहे थे वहां पहुंच नहीं पाए लेट पहुंच गए फिर क्लियर कर लिया तो सर वो टफ सिचुएशन जैसे आती हैं आपकी लाइफ में आई है इंटरनल sure, so, डायलॉग क्या होता है कि मतलब गुड टाइम्स टाइम्स पास सो डू बैड क्या आप आप अपने को कैसे मोटिवेट कैसे करते हो मैं शिवम इसका ना मतलब मैं बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने स्ट्रगल्स को याद नहीं रखता पता नहीं क्यों ये मेरी मेरी हैबिट है मतलब मेरा बैड टाइम जब जाता है तो मैं भूल जाता हूं कैसा भी कुछ हुआ था ऐसा नहीं है कि मैं उससे सीखता नहीं मैं सीखता उससे पूरा हूं लेकिन मैं उसे याद नहीं रखता जैसे आप किसी से भी सुनोगे तो मैं अपनी ये वाली स्टोरी भी पेपर छोटी वाली स्टोरी भी फुल मस्ती में सुनाता हूं अगर आपने कभी सुनी हो कभी मैं जो भी चीज बताता हूँ फुल मस्ती में मैं यार साइंस में फेल हुआ मेरा एक नंबर आया सौ में से मैं वो भी मस्ती में सुनाता हूँ सो आई डोंट टेक इट एज अ स्ट्रगल आई टेक इट एज फन के यार क्या मजा आए थे यार कौन ऐसे एक एक नंबर लाता है साइंस में कौन किस किसका वजह से छूट जाता है यार जो आधे घंटे लेट पहुंचता है सो द पॉइंट इज कि भाई ए मैं अपने स्ट्रगल्स को अपने अपने लो पॉइंट्स को याद नहीं रख पाता और मतलब मुझसे कोई पूछता भी ना सर आपने कितना स्ट्रगल किया मैं कहता हूँ क्या स्ट्रगल किया यार अगेन आई वॉज एंजॉय एवरी मोमेंट एक टाइम पे मैं क्लास लेने जा रहा था मेरी जेब में छह रुपए थे मेरी जेब में मतलब मेरे बैंक में छह रुपए थे मैं आपको बता रहा हूँ मतलब पूरे टोटल मेरे पास जो मेरी नेटवर्क थी ना वो छह रुपए की थी उस समय Just think over it. So, उस मूवमेंट को भी बात कैसे खुश हूं और मैं आपको भी और बल्कि आपके पूरे ऑडियंस को भी इसमें बताना चाहूंगा ऑब्जर्वेशन एंड राइटिंग डाउन दैट ऑब्जर्वेशन इज दिगेस्ट टूल यू हैव फॉर एनी सिचुएशन एग्जाम्पल आपके साथ अभी कुछ बुरा हो रहा है आप किसी बैड फेज में हो जस्ट राइट इट डाउन जस्ट राइट इट डाउन एंड आपके माइंड में उसको लेके क्या थॉट्स चल रहे हैं लिख दो उस बात को मान लेते हैं आपको किसी से बहुत ज्यादा एनवी होती है या आपको आप आपको कभी कभी अभी अभी ना किसी ने बहुत बुरी तरह डिफीट किया किसी चीज के अंदर प्रोफेशनली या कैसे भी जस्ट राइट इट डाउन निकाल दो उसको और फिर सोचो कि आपके माइंड में चल क्या रहा है और आपको क्या बुरा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि क्या अच्छा हो सकता है क्या अच्छा होना चाहिए ई थिंक दिस थिंग हेल्प मी अलॉट इन जो, जो रिसेंट पास्ट में सारी चीजें हुई अभी आपने देखा था जब सी एग्जाम तो ज़्यादा हेटरेट मिलती थी मुझे लोगों ने मेरे साथ डिसोसिएट होना शुरू कर दिया था कि भाई इसके साथ रहेंगे तो गालियां पड़ेंगी बट आप ये देखो नाव एवरीथिंग इज नॉर्मल एवरी वन इज लविंग मी आज आप मेरे यूट्यूब के वीडियो के जाके कॉमेंट पढ़ लो या ट्विटर पर आप मेरे फॉलोअर्स देख लो या उनके कॉमेंट पढ़ लो तो पॉइंट ये है कि भाई उस समय मैंने क्या मैं बस बना रहा मैं मेरे को, को जो करना था मैं वो बोलता रहा मेरे मेरे दिमाग में जो बातें थी मैं करता रहा और कुछ ऐसा कुछ अगर बुरा लगता था मैं आके ऑब्जर्व करता था लिखता था मैंने एक बड़ी अच्छी चीज सीखी शिवम बहुत जबरदस्त चीज सीखी मैंने क्या है ना कि ये ना प्रॉब्लम किसकी है अगर कोई प्रॉब्लम है बहुत कोई भयंकर आपके ऊपर कुछ गलत बोल रहा है या आपके साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो अपने आप को उस प्रॉब्लम से बाहर निकाल लो सिर्फ प्रॉब्लम रहेगी वो प्रॉब्लम उसकी है जो वो बोल रहा है राइट सो ये ये ना एक फिलोसफी है स्टोइसिज्म Yes, sir. इस पे किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे मैं तो बिग फैन हूँ इसका और ये स्टोरीज ये जो फिलोसफी सिंपल सी बात बोलती है मैंने कई बार ये चीज लिखी भी बोली भी जब आप तूफान में घिरे हुए हो आप नाव चला रहे हो और तूफान आ चुका है बहुत जबरदस्त तो मुझे बताओ किसको कंट्रोल करोगे तूफान को या नाव को सर so, नाव को ही कंट्रोल कर सकते हैं एग्जैक्टली exactly.

बोलते ना सच और साहस है जिसके मन में अंत में जीत उसी के रहे घूम फिर के आप मुझसे कभी पूछोगे मैं बार बार यहीं आऊंगा ऑनेस्टी ट्रांसपेरेंसी एथिक्स अगर आपके पास ये है फॉर फॉर टाइम हो सकता है आप परेशान हो जाओ नॉट बिकॉज के प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है पर्सनल लाइफ में भी आप इसकी वजह से थोड़ा सा परेशान हो जाओ लेकिन सुन और लेटर यू विल बाउंस बैक फॉर श्योर सर सर एक और क्वेश्चन आ रहा है माइंड में कि कि आप हमेशा कहते हो आपने एक चीज सीखी अपने सर से एंड हाई जब आपने पीक पे हो एंड so कर जाओ so, लेकिन मेरे हिसाब मतलब मतलब कि आप अगर आपको पता है कि आप में वो फायर है थोड़ी और वैल्यू और प्रोवाइड कर सकते हो सो स्टॉप व्हेन यू आर एट द टॉप मैं इसका आपको कारण बताता है वैल्यू एड अगर मैं अजय सर की बात करूं तो वैल्यू वो आज भी एड कर रहे हैं कल मैंने उनकी इंस्टाग्राम पे एक वीडियो देखने में मोटिवेट हो गया जब मेरी उनसे बात होती है इवन जो वर्स्ट से वर्स्ट फेज होता है मेरी लाइफ का मैं उन्हें फोन करता एंड ही गाइड्स मी वैल्यू तो वो आज भी ऐड कर रहे हैं सो वैल्यू एडिशन कभी नहीं छूटेगा नंबर वन नंबर टू ये होता है कि आपकी लाइफ में ना फेजेज होते हैं सो so, अजय जैन सर ने या और बाकी और जरूरी नहीं है कि भाई अब जैसे वो और बहुत सारे टीचर हैं जो अजय जैन सर से पहले भी पढ़ा रहे थे और अब भी पढ़ा रहे हैं

कॉन्टम्प्लेन चलती है एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब आप पार्टी को पीक पे छोड़ते हो हर चीज़ का अपना होता है तो पार्टी याद रहती है जब में पीक पे छोड़ते हो, तो आपके आप झंडा आप, आप उठा दो भाई ओके आई एम डन पीक पे छोड़ो मेरा भी मानना यही है बट यही है कि कभी कभी मैं भी कॉन्टम्पलेट करता हूँ कि करूंगा क्या उसके बाद में सो वो चीज है दूसरी बात वैल्यू एडिशन कभी नहीं छूटेगा मैंने अभी क्या किया ना शिवम मैंने

वैल्यू मैं उसके थ्रू भी ऐड करता रहूंगा वैल्यू मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं यूट्यूब चैनल है उसके थ्रू भी मैं ऐड करता रहूंगा बट कभी ना कभी ना आपको एक कॉल लेनी पड़ेगी और इसका भी डिसीजन जैसे मेरे को आपको ना आपको पता होना चाहिए कि इतने अटेम्प्ट में देने वाला हूँ इसका भी डिसीजन जो अपने माइंड में पहले से होना चाहिए दिस इज द टाइम आई विल वर्क और उसके बाद जय माता दी बाहर हो जाएंगे बिल्कुल सर बिल्कुल सर एक सोशल मीडिया जैसे है एक उसके दोनों पॉजिटिव्स भी है नेगेटिव भी है सर एक तो लगता है सर जब हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं वी आर सीकिंग एक्सटर्नल वैलिडेशन कि यार अगर मेरी पोस्ट लाइक्स तो आ गए तो ये अच्छी है नहीं है तो गंदी है तो सर इसलिए सोशल पर्सनली मेरे थोड़ा टॉक्सिक हो रहा है अभी आजकल की फेस तो सर आपकी, आ, मतलब लोग पोस्ट क्यों करते हैं आपके हिसाब से सोशल मीडिया टॉक्सिक ही है टॉक्सिक हो नहीं रहा है टॉक्सिक ही है वो और ये ये पता है आपको पता है यूट्यूब वाले जैसे मैं मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ आपने देखा होगा मैं वीडियो को शुरू में बोलता हूँ इतने लाइक्स का टारगेट है

अगर आज की डेट में मतलब मान लेते हैं, आने वाले के हजार बच्चे बैठने वाले हैं और वो वीडियो का साठ हजार बच्चों तक तो पहुंच जाए कितनी अच्छी बात है तो मेरा टारगेट वो रहता है अदरवाइज आप अगर आप मुझसे पूछोगे तो सोशल मीडिया टॉक्सिक था सोशल मीडिया टॉक्सिक है सोशल मीडिया टॉक्सिक रहेगा टॉक्सिसिटी हमें खत्म करनी हमें उस टॉक्सिसिटी में बाहर निकल जाना है और टॉक्सिसिटी में बाहर कैसे निकलना है अगर शिव आपने मुझे पहले इंस्टाग्राम पे देखा मैं पहले सिर्फ चौदह पंद्रह लोगों को फॉलो कर रहा था आज आप जाके देखोगे कि मैं किसी को भी फॉलो नहीं कर रहा हूँ ट्विटर पर मैं सिर्फ चौदह पंद्रह लोगों को फॉलो कर रहा था मैं किसी को भी नहीं कर रहा हूँ और ट्विटर पर मैं आपको बताता हूँ ट्विटर तो ट्विटर का जो टी है ना वो टॉक्सिसिटी के लिए ही है ट्विटर पे आप नॉलेज बहुत सारी ले सकते हो और आप परेशान भी बहुत ज्यादा हो सकते हो खासकर वहां पे जो पॉलिटिकल हेटरेट चलती है वो बहुत जबरदस्त होती है

किंग है और सोशल मीडिया इसमें सबसे बड़ा जो है वो एक बैरियर है सोशल मीडिया को सबसे ज्यादा रोक रहा है एंड वाई पीपल पोस्ट यस पीपल पोस्ट फॉर वैलिडेशन मैंने मैंने ये बात देखी है और मैं बात कहना भी चाहता हूं आपके आपके चैनल के माध, माध्यम से मुझे ये बात समझ नहीं आती यार शिवम आहूजा मान लेते शिवम आहूजा बहुत बड़ा फिटनेस इन्फ्लुएंसर है तो शिवम आहूजा आके स्टॉक मार्केट पे क्यों बोल रहे हैं शिवम आहूजा आके खाने पीने पे क्यों बोल रहे हैं मुझे आके ये क्यों बता रहा है कि भाई ट्रैवल ब्लॉग क्यों डाल डाले आप गेटिंग पॉइंट ये कल मेरी सर से बात बात उन्होंने भी यही बोली कहते यार यही प्रॉब्लम हो गई है आज की डेट में हर कोई हर चीज करना चाहता है सो प्रॉब्लम है तो ये चीज ये ये चीज़ ये चीज़ आप, ना मुझ मुझे भी अप्लाई होती है मतलब आप बच्चे बोलेंगे सर आप भी तो ये करते हो भाई देखो मैं क्या करता हूं मेरे को लगता है मेरे सिर्फ तीन चार डोमेन है एक तो सी ऑब्वियसली सी रिलेटेड कुछ भी होगा स्टडी रिलेटेड बल्कि स्टडी बोलूंगा मैं उसको सी ए है मैं बोलूंगा राइट

साल बाद जब मैं उस चैनल को देखूंगा तो मैं बहुत खुश होने वाला हूं जिस तरह की मेमरीज मैं वहां पर क्रिएट करके रख रहा हूं मैं बहुत खुश होने वाला हूँ so, उसका अलग ही एक परस्पेक्टिव है उसका अलग ही एक टारगेट है एंड आई एम मैं यहाँ पे आपके चैनल पर भी बोल देता हूँ रिसेंटली मैंने अपने स्टाफ को मैसेज किया है नीरज अरोरा वाले जो मेन चैनल है उस पर जितनी भी वीडियोज हैं हमने सब डीमोनेटाइज कर दी है आप तो समझते होंगे बाकी लोग तो नहीं समझेंगे जिन पे कंटेंट आईडी क्लेम आ जाएगा शायद वो मोनेटाइज हो जैसे भी जरीन की वीडियो डाली थी उसमें मैंने गली बॉय का गाना लगा दिया था तो उस पर एड्स आ रही है बाकी मेरी जितनी भी वीडियो आप देखोगे आई एम श्योर मेरे स्टाफ का मुझे मैसेज भी आ गया कि सर हमने सारी वीडियो को डीमोनेटाइज कर दिया है मैं पूरे YouTube को अपने जहां पे भी मेरे चैनल्स हैं मैं कोशिश कर रहा हूं सबको मैं डीमोनेटाइज कर दूं और बल्कि मैं तो अपनी खुद के एक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं ये YouTube ये Twitter ये सब हमारे ऑडियंस का जो है वो मिस यूटिलाइजेशन कर जाते हैं ऑडियंस आता है हमारे लिए या फिर वो कुछ अच्छी चीज सीखने आ रहा है आप सोचो ना एक जगह पे आप सीख रहे हो कि यार इंडेक्स फंड कैसे खरीदना है और सामने भाई एक एक बहुत ही मीम वाली वीडियो आपको बुला रही है आ जा आ जा आ जा अब आप क्या करोगे गलती से आपका हाथ वहां चला गया या ऑटो प्ले हो गई आप समुद्र में खोने वाले हो भाई आप खो जाओगे उसके अंदर अब आप बाहर नहीं निकल सकते उसके अंदर से और वो एल्बोरिदम ऐसा है अब आपने एक बार वो वीडियो पे क्लिक कर दिया प्ले कर दिया अब यूट्यूब बार बार वैसी वीडियो दिखाएगा पूरा पेज भर देगा वो आपका जब तक आप क्लिक नहीं करोगे मानेगा नहीं सो so, ये चैलेंज है सोशल मीडिया का और आई थिंक बहुत जल्दी ही ऐसे भी कोर्सेज निकालने पड़ेंगे हाउ टू गेट रीड ऑफ सोशल मीडिया पक्की बात है डालोगे सर आप वो नहीं मैं 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 तो सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर होते जा रहा हूँ मैं मुझे एज ये लगता है ट यूनिवर्स चाहे वो छोटी हो मेरे YouTube पे सात लाख एक सब्सक्राइबर हैं किसी पे साढ़े तीन लाख सब्सक्राइबर पे ढाई लाख सब्सक्राइबर्स हैं मैं कहता हूँ जो जो उसे, उसे कुछ ना नजर आए वो आए प्योर नॉलेज ले और चला जाए चाहे फिर वो दो बच्चे हो दो सौ बच्चे हो दो हजार बच्चे हो दो लाख बच्चे हो मैं खुश हूं तो मैं तो धीरे धीरे समझ चुका हूँ कि ये भाई गेम जो है ये बहुत ही गलत गेम है हम पहले मैं स्टूडेंट्स को बहुत बोलता है ट्विटर पे फॉलो करो ट्विटर फॉलो करो आज भी ट्विटर मेरी अच्छी खासी फॉलोइंग बढ़ रही है लेकिन मैंने बच्चों को साफ बोलना शुरू कर दे मत आओ ट्विटर पे मत जाओ टेलीग्राम पे ये दोनों ऐप तो ऐसी खतरनाक है ना इन पे अलग ही कुछ चल रहा है भाई इन अलग ही कुछ और बच्चा बच्चा रोक नहीं पाता माइंड हमारे वीक है मैं आपको बोल बोलो ना सोचो आपका हाथ उठ के अपने आप वीडियो पे चला जाता है चला जाता है कि नहीं चला जाता तो और जबकि मुझे लगता है शिवम तो फिर भी समझता है इन चीजों को जो एक सिंपल एक बच्चा है जिसे नहीं पता है एल्गोरिदम क्या है यूट्यूब क्या है वो सिर्फ एक एज अ ऑडियंस आता है वो तो रोक ही नहीं पाएगा अपने आप को तो सोशल मीडिया तो भाई मैं तो स्ट्रिक्टली अगेंस्ट स्ट्रिक्ट इसके और हमें इसके लिए कुछ ना कुछ जल्दी ही करना चाहिए अपने अपनी लाइफ में नहीं तो बहुत देर हो चुकी होगी सर एक्चुअल ट्विटर है टेलीग्राम है आजकल मैं स्पेसिफिकली फॉर सी ए स्टूडेंट अगर मैं कहूँ वहां पे मसाला है कि ये ये होगा नहीं होगा यस नो दिस दैट तो जहां भी मसाला होता है ना सर वहां बच्चा अट्रैक्ट हो ही जाता है तो मसाला सर ऑब्वियसली फिर अट्रैक्ट कर ही देता है सर लास्ट ये सर, मैं रहा हूं, इसी, इसी मसाले के चक्कर में ना भाई इसी मसाले के चक्कर में फोन आए, आए हैं के सर हमारे बच्चों के पेपर रह गए और मतलब एक पेपर देने के बाद सर ये तो दूसरा पेपर देने नहीं जा रहे हैं सर ये तो कर नहीं पा रहे और ऐसे ऐसे बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेके पास हुए रैंक्स के साथ पास हुए ऐसे स्टूडेंट्स के तो ये जो मसाला है ना भाई यही आपका ना पूरा का पूरा जीवन भ्रष्ट कर देता है तो इससे दूर रहने और मैं कहता हूँ ना स्टोइसिज्म भाई दुनिया में आग लग रही हो मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं वो देखूंगा यस yes, सर दुनिया में कितना ही मसाला लग रहा हो भाई मैं किस चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं वो देखूंगा दैट्स इट हां जी sir, 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 हां सर लास्ट कपल ऑफ क्वेश्चंस सो एक क्वेश्चन जो आपके बाद से था कि मेरे को मतलब मैं अगर मान लो मैं फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूं

आ, लेकिन ये मेरा एक रिग्रेट रहेगा कि मैं इक्कीस बाईस साल का होता तो मैं जरूर ये काम करता एक दो चीजें और भी शायद मैं अपने आपको एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जरूर सिखाता जरूर सिखाता क्योंकि मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जब आप अकेले बैठे हो और खासकर जब आप खुद प्ले कर सकते हो या आप खुद गा सकते हो तो वो बहुत बहुत स्ट्रेस रिलीविंग होता है और वो अपने आप में खो जाने वाली चीज होती है सो म्यूजिक इज वन थिंग एंड स्टॉक मार्केट इज वन थिंग और तीसरी चीज अगर मैं बोलूंगा तो मैं अपने आपको शायद एक अच्छा फिटनेस के लिए जरूर गाइड करता उस समय से क्योंकि फिटनेस हिंदुस्तान में ऐसी है है ना वो आती रहती है, जाती रहती है वो ना उसके ना दौरे आते हैं <laughs> भाई एक महीने, फिर भाई पांच महीने नहीं होती फिर एक महीने होगी फिर पांच महीने नहीं होते पूरा साल खत्म महीने के दो ब्रेक खत्म सो so, शायद मैं तीन चीजें जरूर अपने आपको जो है समझाता प्लीज लर्न स्टार्ट लर्निंग इन्वेस्टिंग एंड गो एंड इन्वेस्ट बी एक ऐसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो जिसको आप जो है एंजॉय कर सको अकेले बिना किसी की प्रेजेंस के और सी भाई फिटनेस चाहे मैं बीस मिनट रोज एक्सरसाइज करूं लेकिन मैं अगर इक्कीस साल की उम्र से आज तक रोज बीस पच्चीस मिनट एक्सरसाइज कर रहा होता तो शायद आज भाई मेरा वजन पांच दस किलो कम होता और और मैं थोड़ा फिट होता सर, एक छोटा सा क्वेश्चन इसी बात से आ गया है प्लीज, प्लीज सर, तो, फ्री, हाँ जी। सर, जैसे आपने रिग्रेट्स की बात करी अगर मान लो कोई छोटा सा काम मैं करूं फिर मेरे को लगता है कि यार मैंने ये क्यों कर की उस बात का मेरे को बहुत रिग्रेट होता रहता है देखो हम अपना प्रेजेंट तो कंट्रोल कर सकते हैं फ्यूचर में भी जो आएगा हम अच्छी चीजें कर सकते हैं पर वो ये है कि अगर हमने ब्लैक बॉल्स सामने फेंकी हैं तो वो ब्लैक बॉल्स आ रही हैं वो रिग्रेट आ रहा है अभी rather than मतलब ऐसा सोचें कि हम व्हाइट बॉल्स ही फेंकें मतलब जो हम अच्छा करेंगे वो वापस अच्छा आएगा पर जो ऑलरेडी हम गंदा कर चुके हैं वो अभी आ रहा है सर तो उसको कैसे डील करें जैसे मतलब आप आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मुझे इसका रिग्रेट है तो मैं उसको कैसे सॉर्ट आउट करूं यस तो मेरा तो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है भाई मेरे को जिस भी चीज का रिग्रेट है ना शिवम जैसे मुझे मैंने आपसे तीन चीजें बोली तो मैं वो तीनों चीजें अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं अपने बच्चों को बोलता हूँ तो आज मतलब मेरे से कोई भी स्टूडेंट पूछता है मैं उसे इन्वेस्टिंग के लिए इतना पुश करता हूं कि कर बेटा कर क्योंकि तेरे को नहीं पता कि तू मुझे भी हरा सकता है और कम पैसों से हरा सकता है बिकॉज यू हैव टाइम विद यू और टाइम इज द बिगेस्ट बिगेस्ट फैक्टर इन एनी वन सक्सेस इन स्टॉक मार्केट्स राइट तो मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करने की कोशिश करता हूँ उससे मेरा रिग्रेट थोड़ा कम होता है योगा मेरी डॉटर है आप जानते हो मिस्टी से आपने काफी सारे चेस के सेशंस भी लिए हैं uh, तो मिस्टी को मैं हमेशा बोलता हूं कि योगा सीखो इवन मिस्टी को मैं म्यूजिक के अंदर भी शुरू से रख रहा हूँ एंड नॉट फोर्सफुली वी जस्ट ट्राइड मेनी थिंग्स थिंगी को जो जो चीजें पसंद आ रही है मैं उसको बोलता हूँ कर भाई उसको कर सो so, यही है अपने रिग्रेट्स में इस तरीके से तो थोड़ा से कम करता हूँ बट ये बात इतनी जरूरी है जो मैंने तीनों चीजें बोली आई थिंक ये तीनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं कि भाई तीनों चीजें आप जरूर करें जो भी आप अभी 21-22 साल की उम्र में शिवम का जो भी ऑडियंस है मैं उम्मीद करता हूँ इसी एज ग्रुप में होंगे प्लीज इन तीनों चीजों का ध्यान रखें एंड कुछ चीज जो मैंने नहीं बोली वो ये है कि देखो यार आपको अपना प्रोफेशन तो बनाना ही बिजनेस तो बनाना ही है उसके साथ ये बहुत जरूरी है आज शिवम एक एक वीडियो मैंने शूट कर लिया है रिलीज होगी वो नीरज के सत्संग वाले चैनल पे उसमें ना मतलब जो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ के सीख पाया मैंने सात चीजें उसके अंदर बताई है और वो सातों चीजों में सबसे इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने हेल्थ को ही दी है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मैंने हेल्थ को ही दी है कि हेल्थ इज द रियल वेल्थ आप थोड़ा कम कमा लोगे थोड़ा कम काम कर लोगे वो चल जाएगा लेकिन आप कभी भी पैसे देके किसी को हायर नहीं कर सकते कि मेरे बदले जाके तू हॉस्पिटल के बेड पे लेट जा ये बात स्टीव जॉब्स ने बोली थी मरने से पहले कि यू कैन नॉट हायर मतलब आई एम दी रिचेस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट बट आई कैन नॉट हायर अ पर्सन जो मेरे बदले जाके हॉस्पिटल के बेड पे लेट जाए एंड दिस इज अ फैक्ट दिस इज अ हार्श फैक्ट राइट सो आई थिंक हेल्थ की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उस पर पूरा पूरा फोकस रखें और जब मैं म्यूजिक बोलता हूँ तो म्यूजिक में मैं क्यों बोलता हूँ कि भाई

और मैं चाहे जैसा मर्जी सीखू मैं हफ्ते में एक घंटे बैठता हूँ कुछ भी करता हूँ करता हूँ धीरे धीरे बैठ के सुबह सबसे पहले उठ के मैं क्या करता हूँ जनरली मैं एक्सरसाइज वगैरह वर्कआउट वगैरह कर लेता हूँ बाद तो मिश्टी सुबह उठ के पियानो प्रैक्टिस करते हो तो मैं जाके दस मिनट उसके बाद बैठ जाता हूँ क्या कर रही है कैसा बजा मैं कभी उसको टोकता नहीं हूँ अच्छा बजा रही है क्या बजा क्या प्ले कर रही है करना एंजॉय कर सो वो चीज़ आपने बिल्कुल ठीक बोली कि परफेक्शन के चक्कर में आप ये आपकी आप इसको स्ट्रेस रिलीव करने के लिए कर रहे हो और अगर आपको यही स्ट्रेस हो गया कि यार परफेक्शन आए परफेक्शन आए तो आई थिंक वो बात बनती हुई नजर नहीं आती है

ये शायद मेरी ना पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक रही है शुरू से मेरी कि मैं ना मतलब अपने साथ बहुत कंफर्टेबल रह लेता हूं पता नहीं, ये मैं कैसे लिए ऐसा जरूरी है सबके पास और शायद ये लोगों के लिए एक एडवांटेज भी हो सकती है कि उनके बहुत सारे दोस्त हैं मेरे लिए एडवांटेज थी मेरे कम दोस्त थे तो मुझे रोकने वाले टोकने वाले या मैं जिनको फॉलो करूँ या मैं जिनको कॉपी करूँ वो लोग कम थे तो इसलिए मैंने अपना अलग रास्ता बना लिया तो ये मैंने अपने एडवांटेज के लिए यूज किया बट जनरली ऐसा देखा गया कि लोग बाग अच्छे सोशल सर्कल में रहना पसंद करते हैं और रही बात कि अपने आप में सेटिस्फाइड कैसे रह सकते हो उसका आंसर फिर वहीं पे आता है कि यार स्टार्ट लविंग यू आर डूइंग फॉल इन लव विद इट मैं आपको बताता हूँ शिवम ये मेरा पर्सनल ऐसा मानना है अब मैं थोड़ा सा इसमें पीछे रहने लग गया हूँ जस्ट बिकॉज के बहुत सारा काम होने लग गया नहीं तो मैं पता क्या करता था मैं कोई बुक लूंगा उसमें एक लाइन पढ़ूंगा उस एक लाइन पे पूरे ढंग से रिसर्च करूंगा सिर्फ एक लाइन पे आज भी मैं क्या करता हूँ कोई वर्ड मुझे बोलना नहीं आता या किसी वर्ड का मुझे मीनिंग नहीं पता तो मैं मैं उसका बुक में डाल देता हूं। कि मैं भी पढूंगा बच्चे भी पढ़ेंगे तो वो आपको आपको ना अपने अपने काम से प्यार करना पड़ेगा और आपको एक बार दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा की यार ये ये लाइफ जो जो है ना आपका फेज है जो आपका ऑडियंस साइज जो आपका ऑडियंस की एज है ये जो उनका फेज फेज चल रहा है ये आपका है आपका गोल्डन फुल एंजॉय करो इस फेज को लेकिन साथ साथ स्किल्स स्किल्स एक्वायर कर लो ऐसे जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे आपकी सेटिस्फेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है नहीं तो मैं आपको बताता हूँ कि कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का कि आप सुबह उठ रहे हो और आप जॉब इसलिए कर रहे हो कि भाई ई भरनी है कोई फायदा नहीं ऐसे जीवन का कि आपने सिर्फ और सिर्फ पैसा कहीं जाना है इसलिए पैसा ला रहे हो तो आप अगर अभी से थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगे थोड़े अच्छे स्किल सीखेंगे अभी से इन्वेस्टिंग करना शुरू करेंगे और ये सब आपको ही करना है ओनस आपके ऊपर ही है कोई भी नहीं आने वाला आपके पास तो सारा बर्डन जो है ना वो आपके ऊपर ही है और इसको बर्डन ना समझ के रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए बल्कि इसको एक एक जर्नी समझिए पूरी जर्नी को एंजॉय करते चलिए हर मूवमेंट को एंजॉय करते हुए चलिए तो बस अपनी एक्टिव इनकम पे ध्यान रखना है अपनी इन्वेस्टिंग हैबिट्स पे ध्यान रखना है अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आपने ध्यान रखना है आई थिंक यही मेरा मैसेज है और जिसने भी इन तीनों चीजों पर ध्यान रख लिया उसके लिए गेम बन गई और एक्टिव इनकम कैसे होती है लर्न अलॉट अपलाई अलॉट जो सीखते हो उसे अप्लाई करो फिर सीखो फिर अप्लाई करो फिर सीखो फिर अप्लाई करो जितने भी आज तक हमारे बड़े बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेंशन हुई वो सब ऐसी हुई